हेलो एवरीवन, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टेम्परेचर रेगुलेशन पे बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कपकपाती ठंड में दौड़ने पे आपको बहुत ज्यादा पसीना क्यों आता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? नहीं पता, कोई बात नहीं, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी पे बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम इंसान गर्म खून वाले होते हैं। बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करने के लिए बना है। हालांकि ये हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। वास्तव में हमारा शरीर किसी घर में लगे हुए हीटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आपके घर में हीटिंग सिस्टम लगा है तो आपने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोस्टेट भी लगवा रखा होगा। अगर घर का टेम्परेचर कम होने लगता है तो थर्मोस्टेट रेडिएटर्स को ऑन करने के लिए एक सिग्नल भेजता है, जिससे घर का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। और घर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेडिएटर्स थर्मोस्टेट के जरिए बंद करवा दिए जाते हैं। सिंपल है ना? हमारा शरीर भी ठीक इसी तरह काम करता है। आपके ब्रेन में यहाँ पे हाइपोथैलेमस नाम की एक जगह होती है। ये इसमें से फ्लो होने वाले ब्लड का टेम्परेचर तो मेजर करता ही है, साथ ही ये बॉडी के टेम्परेचर सेंसर्स के जरिए इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करता है। इकट्ठी की गई इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज्यादा, और फिर उसी के मुताबिक वो बॉडी के टेम्परेचर को वापस 37 डिग्री सेल्सियस पे लाने की कोशिश करता है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हाइपोथैलेमस बॉडी को नर्वस सिस्टम के जरिए सिग्नल्स भेजता है, जो शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है। ये स्किन को सिग्नल भेज सकता है, जिससे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। पसीना खुद तो ठंडा नहीं होता, आपको ऐसा लगता जरूर है, क्योंकि एवेपोरेट होने के लिए ये आपकी बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करता है। वैसोडायलेशन यानी वाहिक प्रसरण हीट लॉस करने का दूसरा तरीका है। स्किन सरफेस के पास इन खुली हुई ब्लड वेसल्स को देखिए। इन ब्लड वेसल्स से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड से हीट एयर में रेडिएट हो जाती है और ब्लड का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो आप इन ब्लड वेसल्स को बंद करा सकते हैं, जिससे न तो इन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होगा, न एयर में हीट रेडिएट होगी और न ही आपको सर्दी लगेगी। क्यों, है ना बढ़िया आइडिया? वैसे सर्दी से बचने के इस उपाय को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। जब आपको सर्दी लग रही हो या अगर आपको गूज पिंपल्स हैं, तो आपने एक और इफेक्ट नोटिस किया होगा। अगर आप गूज पिंपल्स को ज्यादा करीब से देखें तो आप पाएंगे कि सभी छोटे छोटे बम्प्स पे एयर स्टिकिंग हेयर आउटलेट्स होते हैं। ये हेयर स्किन के पास एयर इकट्ठी करते हैं, और हम जानते हैं कि एयर हीट की बेस्ट इंसुलेटर है। क्या आपको पता है कि जब आप गूज रिमूव करते हैं तो वहां पे एक एडजस्टेबल बम्प बन जाता है। ये सभी इफेक्ट्स होम्योस्टेटिस के नेगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल्स हैं।